हिंदी में शुरू करें। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में, गुजरात से बाहर काम करने के लिए आए हुए लोगों के ऊपर हमले होने की जो घटनाएं अलग अलग जगह पे हुई, उसके संदर्भ में सूरत सिटी में अलग अलग घटनाओं को गुजराती और बिन गुजराती के बीच हेट क्राइम की तरह चित्रित करने की कोशिश की गई। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सूरत में पर प्रांतियों के ऊपर गुजरातियों द्वारा, जिसको हम हेट क्राइम कहते हैं, इस प्रकार की एक भी घटना कम से कम पिछले 15 दिन में नहीं हुई है। 15 दिन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जिस संदर्भ में ये सब घटनाओं को लिया जा रहा है वो संदर्भ पिछले 10-15 दिन का ही है। सूरत में एक प्रकार की भी घटना इस प्रकार की नहीं हुई है जिसमें गुजरातियों ने बिन गुजरातियों पर हमला किया। हमारे यहाँ 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि सामान्य प्रकार के अपराध हैं, जिसमें विक्टिम बाहर के लोग हैं और अपराधी यहाँ के, पर वो तीनों सामान्य प्रकार के अपराध हैं। उन 3 अपराधों में हमने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 अपराधों में जो लोग विक्टिम हैं वो अभी भी गुजरात में अपनी ही जगह पर रह रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कोई हेट क्राइम नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य प्रकार के जो अपराध होते हैं वो हैं। गुजरात में गुजराती, सूरत में गुजरात के और गुजरात के बाहर के लोग मिलजुल कर साथ साथ रहते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें एक पक्ष गुजराती हो, दूसरा पक्ष बिन गुजराती, लेकिन उसको एक हेट क्राइम की तरह चित्रित करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह खतरनाक। कल खटोदरा पुलिस स्टेशन के इलाके में रात के टाइम पर एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में एक अमरजीत सिंह राजदेव सिंह, उम्र 32, जो बिहार के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई। इस घटना को कुछ मीडिया चैनल के द्वारा, एक मीडिया की वेबसाइट है जिसके द्वारा एक हत्या की घटना बताए जाने का एक समाचार प्रकाशित किया गया, जिसमें मरने वाले की उम्र 15 साल बताई गई। और ये समाचार प्रकाशित करने के पहले पुलिस का कोई वर्शन नहीं लिया गया। ये समाचार बिहार से प्रकाशित हुआ था। जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, हमने तफ्तीश की, तो हमें पता लगा कि जो अमरजीत सिंह हैं वो 15 साल के नहीं, 32 साल के हैं। उनकी घटना किसी हत्या में नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट में हुई है। जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट की है, मैंने खुद उस मौके पर जाके मुआयना किया है, और सभी एविडेंस यही बताते हैं कि वो एक एक्सीडेंट का केस था। हमारी जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसमें भी इस बात की पुष्टि होती है कि यह घटना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की है। इस घटना में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पूरी तरह से डैमेज हो गई है, वो एक पेड़ से टकराई थी, उस पेड़ पे भी निशान है, और जो वहाँ पे जिन लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर कि उनको अनफॉर्चुनेटली मृत घोषित किया गया, उन सब के बयानों और बाकी तथ्यों के आधार पे बात साबित हो रही है कि अभी तक जो एविडेंस हमें मिली है उसमें यह मामला सिर्फ एक मोटर एक्सीडेंट है। कुछ इस प्रकार की शंका कुशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो उस मोबाइल फ़ोन को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन छटक के कहीं दूर गिर गया हो, कोई किसी ने उसको उठा लिया हो,
हम अभी किसी भी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और हमारी तफ्तीश सब तरफ चल रही है, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल की दुर्घटना है। मेरा सभी मीडिया के मित्रों बंधुओं से निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं को हेट क्राइम की तरह चित्रित ना करें। हम सामान्य जनता को अफवाहों से बचने के लिए सोशल मीडिया पे जो उत्तेजक पोस्ट डाली जा रही हैं जिससे लोग भड़क सकते हैं, उनसे सावधान रहने को कह रहे हैं। लेकिन अनवेरीफाइड चीज़ें अगर मीडिया के द्वारा ही फैलाई जाएंगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक गैर जिम्मेदाराना काम होगा। हर घटना के ऊपर पुलिस के अधिकारी अपना वर्षन देने को तैयार है। कल भी जिन जिन ने मेरे से बात की मैंने सबको ये अपना वर्षन दिया, हमने बताया, कुछ ने उनको पब्लिश किया है, कुछ ने नहीं पब्लिश किया। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आती हैं कि सीधा जो है रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाती है पुलिस से पूछे बिना। मेरा सभी मीडिया के भाइयों से निवेदन है कि कभी कोई घटना के आपके बारे में इस तरह की ध्यान में आती है तो पहले पुलिस का वर्षन भी जान लें और उसके बाद आप उसको प्रकाशित करें। इस तरह से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सूरत में पिछले दिनों जो गुजराती और गैर गुजराती लोगों के बीच की जो बातें चल रही हैं उस प्रकार की एक भी घटना, एक भी क्राइम सूरत शहर में नहीं हुआ।